Assalamu alaikum, dear student. Today our lecture is financial statement of manufacturing concern. Dear student, आज हम discuss करेंगे cost accounting का topic है हमारा कि financial statement of manufacturing concern के बारे में कि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से formulas हैं जिसको हम apply करते हैं. उसके अंदर हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, व्हाट इज द लेबर कॉस्ट, व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट एंड व्हाट इज द एफओएच कॉस्ट. तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी, उसके अंदर हमने ये कैलकुलेट करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही होती है कि वो किस तरीके से उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं. डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम आज देखेंगे कि हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से मेन फार्मूले हैं जिसके अंदर फार्मूलाज के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं और उसके न्यूमेरिकल पर उसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल हल करते हैं. डियर स्टूडेंट, आज हम मंदरज जैल फार्मूले को जिक्र करते हैं कि इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ न्यूमेरिकल के लिहाज से, मुख्तलिफ एग्जाम्पल के लिहाज से, और मुख्तलिफ हम प्रॉब्लम हल करते हैं जिनके अंदर ये फार्मूलाज यूज होते हैं. स्टूडेंट, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास प्राइम कॉस्ट जो है, हम कैलकुलेट करते हैं कि प्राइम कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन के अंदर प्राइम कॉस्ट क्या है. तो इसके अंदर ये देखते हैं कि प्राइम कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर. कि इसके अंदर हम प्राइम कॉस्ट के अंदर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास प्राइम कॉस्ट क्या है. प्राइम कॉस्ट एक कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, जिसके अंदर टू टाइप्स कॉस्ट होती है. एक तो मटेरियल कॉस्ट होती है और उसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है. तो डेस्ट में उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट है. कि कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी होती है? कन्वर्जन कॉस्ट होती है वो होती है कि डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट. कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है. तो डेस्ट उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट लेते हैं. तो टोटल कॉस्ट के अंदर जब एक प्रोडक्शन की हम टोटल कॉस्ट लेते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम मटेरियल कॉस्ट लेते हैं जो भी हमारे पास टोटल होती है, और उसके पास हम डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ जाती है. स्टूडेंट, तो फिर इसके अंदर हम ये देखते हैं, इसके अंदर फिर हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं कि अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट. जब हम इस कॉस्ट की बात करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं, इसके अंदर ये होता है कि एक्चुअल हमारे पास जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है और जो अप्लाइड होती है वो कितनी होती है. डियर स्टूडेंट, अब इसके अंदर ये पोजीशन आ जाती है कि हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट होती है वो हमारे पास एक ओरिजिनल कॉस्ट है, और उसके साथ हम ये देखते हैं कि जो अप्लाइड कॉस्ट होती है, सपोज हमारे पास अगर 10,000 रुपए हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट है, अगर हम प्रोजेक्ट के अंदर जो हम अप्लाई करते हैं वो 8,000 कॉस्ट होता है, इट मीन कॉस्ट जो है वो अंडर अप्लाइड है. अंडर अप्लाइड इसका मतलब ये है कि हमने 8,000 जो है 10,000 हमारे पास कॉस्ट थी एक्चुअल कॉस्ट, उस पे जो अप्लाई हमने की है वो 8,000 की है. इट मींस के अंडर अप्लाइड कॉस्ट है, कि कॉस्ट जो है वो हमारे सर्कल के अंदर है. उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट. कि हम फैक्ट्री ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं. डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है अप्लाइड कॉस्ट से. सपोज फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या काम किया कि हमारे एक्चुअल 10,000 कॉस्ट थी, लेकिन एक्चुअल हम जो हमने अप्लाइड की उसके अंदर हमने जो यूटिलाइज की, जो हमारी कुछ टोटल कॉस्ट है ये वो 11,000 आई है. इसका मतलब ये है कि 1,000 जो है वो इंक्रीज हो गई एक्चुअल कॉस्ट से. तो इसका मतलब है वो हमारी क्या है, ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है, ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है. तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर फिर ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, इसकी बात करते हैं कि हमारे पास एक बहुत मेन अहम जो है ये फार्मूलाज है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कि ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. डियर स्टूडेंट, के अंदर देखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, वो मटेरियल जो हमने कंज्यूम किया है
वो हम लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट लेबर लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लेंगे जो स्टूडेंट, और उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट लेबर है कि डायरेक्ट लेबर है जो हमने इस्तेमाल की, यूज की, और उसके साथ हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड के साथ उसके अंदर हम प्लस क्या करेंगे कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये हमारे पास आ जाते हैं कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ले लेते हैं और उसके अंदर डिडक्ट करेंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। जब हम उसको डिडक्ट करेंगे तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे स्टूडेंट, वो कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। दोबारा रिवाइज करते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल यूज प्लस डायरेक्ट लेबर, और उसके अंदर ऐड करेंगे प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और उसके अंदर डिडक्ट करेंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। डियर स्टूडेंट इसके बाद हम ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम किस तरीके कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कैलकुलेट किया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर है, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, कि हम उसके अंदर ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे और उसके अंदर लेस करेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स। ये हमारे पास है कि एंडिंग फिनिश गुड्स को डियर स्टूडेंट हम मनफी करेंगे, और इस तरीके से इस फार्मूला के साथ, इस फार्मूले के साथ हम ये देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर है प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स है, और उसमें मनफी करेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स। डियर स्टूडेंट अब हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर, कि हम नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हमने ये देखना है कि हमारे टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास एक फार्मूला है, इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास यूनिट सोल्ड, वो यूनिट जो हमने मार्केट के अंदर सोल्ड किए, टोटल यूनिट हमने सोल्ड किए वो हम लेंगे, और उसके अंदर हम मनफी करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, वो उसमें से मनफी कर देंगे, और उसमें प्लस करेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स, एंडिंग फिनिश गुड्स उसमें से हम मनफी करेंगे, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा डियर स्टूडेंट वो आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर। तो इसके साथ डियर स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अब डियर स्टूडेंट हमने यूनिट प्रोड्यूस किए, अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट, ये जो फॉर्मूला है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कि जो हमने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं अपनी कंपनी के अंदर, सपोज 10,000 हमने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो हमने ये देखना है कि इसकी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, उसकी कॉस्ट स्टूडेंट कितनी है। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कि जितनी भी हमारे पास कॉस्ट आई है, जितनी भी हमारे पास, सपोज हमारे पास 1,00,000 रुपए कॉस्ट आई है, तो हम फिर उस डिवाइड क्या करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर, कि हमने 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर किए हैं, तो डिवाइड करेंगे 10,000 पे, 1,00,000 पे, और डिवाइड बाय 10,000, अगर हम 10,000 का लेते हैं यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो ये था एक फार्मूला, और उसके बाद डियर स्टूडेंट हम ये देखते हैं छोटे से हमारा एक और फार्मूला रह गया, इसके अंदर डियर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि हमारे साथ भी पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट, कि हमारे पास हर यूनिट जो हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, उसके अंदर हर यूनिट का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है डियर स्टूडेंट। इसके अंदर हम एक फार्मूला यूज करते हैं कि टोटल ग्रॉस प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद डियर स्टूडेंट हम ये देखेंगे पर यूनिट नेट प्रॉफिट, कि अदर एक्सपेंस, अदर इनकम जब हम ग्रॉस प्रॉफिट से डिडक्ट करेंगे हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा, और नेट प्रॉफिट हम देखेंगे अगर हमने टोटल यूनिट जो हमने हमारे प्रोड्यूस हुए और टोटल यूनिट जो हमारे हैं उसके अंदर हम ये देखेंगे हर यूनिट का प्रॉफिट कितना है, तो इसके अंदर हम देखेंगे पर यूनिट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के लिहाज से पर यूनिट देखते हैं, तो हमारे साथ टोटल नेट प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हम हर यूनिट का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये एक हमारा एक लेक्चर था जिसके अंदर हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया और आपको लेक्चर दिया कि हमारे पास कौन से फार्मूलाज हैं, और जो हम अब बेसिक चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर डियर स्टूडेंट ये तमाम के तमाम फार्मूलाज जो है हम इस्तेमाल करते हैं।
तो इसके अंदर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर कंसर्न है, और इसके अंदर ये हमारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ किस्म की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कॉस्ट यूज करते हैं, उनकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट करते हैं, और उसके साथ हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट एंड में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और यूनिट नंबर ऑफ पर यूनिट गुड्स मैन्युफैक्चर कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट और पर यूनिट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे तक चंद एक फार्मूलाज थे जो आपको हमने चैप्टर में पहले चैप्टर कॉस्ट अकाउंट के पहले चैप्टर में क्लियर करे हैं। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट को मुझे आप मेरे लेक्चर की आपको समझ आ गई, लेकिन इसके अलावा फिर भी आपको किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप बरए मेहरबानी मुझे कमेंट्स में लाजमी क्वेश्चन करें, मैं आपको उसका रिप्लाई लाजमी करूँगा। डियर स्टूडेंट, इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।